गुरु गीता के सूत्र कहता है, गुकारः प्रथमो वर्णो मायादि गुणभाषकः रुकारो द्वितीयो ब्रह्म माया भ्रांति विनाशनम्। अर्थात शास्त्र वचनों से ये सिद्ध होता है कि गुरु शब्द का प्रथम वर्ण गु से माया के गुण प्रकट होते हैं और उसका द्वितीय वर्ण रु उससे ब्रह्म प्रकाशित होता है जो माया की भ्रांति को नष्ट करता है। शिव इस पड़ाव पर फिर से गुरु शब्द को ही स्पष्ट कर रहे हैं जिससे भ्रांतियां ना रहें कि गुरु गीता किसे संबोधित है, गुरु से क्या अभिप्राय है। तो वो कहते हैं कि शास्त्रों में जो वर्णन है सारे उससे ये बात सामने आती है, सिद्ध होती है, प्रमाणित होती है कि जो गु वर्ण लिया है अंधकार का द्योतक है और माया का द्योतक है, वो माया का प्रतिनिधित्व करता है, और रू शब्द ज्ञान का, प्रकाश का और माया को दूर करने वाले ब्रह्म का प्रतीक है। बात वही है, बस थोड़ा सा इसका ढंग बदल गया है कहने में, कि इस बात को हमें पूरी तरह स्पष्ट कर लेना है कि गुरु शब्द का तात्पर्य क्या है। इसीलिए मैंने अनेकों बार ये बात कही है कि गुरु शब्द विश्व को भारत की अनूठी देन है, लेकिन हमने उस शब्द को अलग अलग अर्थ दे दिए हैं। उन अर्थों में भी बुराई नहीं है, लेकिन वो उसके मूल अर्थ को नहीं बताते। जैसे हम गुरु को एक्सपर्ट की तरह, विशेषज्ञ की तरह उपयोग में लाते हैं, इसीलिए कई बार हम कह देंगे ये फूड गुरु हैं, ये टेक गुरु हैं, ये टेक्नोलॉजी जानते हैं, ये खाने के स्पेशलिस्ट हैं, ये इस चीज़ के, तो जिस चीज़ में भी हम कहेंगे ये स्पोर्ट्स गुरु हैं, ये खेल के विशेषज्ञ हैं, हर चीज़ में हम गुरु लगा देते हैं शब्द, कोई बात नहीं। लेकिन ये गुरु का बहुत ही हल्का अर्थ है, विशेषज्ञ, एक्सपर्ट। मूल अर्थ इससे पहले के सूत्र में भी गुरु गीता ने स्पष्ट किया और अब इस सूत्र में भी, कि माया को पार करके जब हम ज्ञान में स्थित होते हैं वो प्रक्रिया ही गुरु है। माया को हम कैसे पार करेंगे उसके लिए पहले हम माया को समझेंगे। माया शब्द भी भारतीय दर्शन का बहुत ही प्यारा शब्द है। माया शब्द से एक तो हम कहते हैं भारत में जो मापा जा सकता है, जो मेजरेबल है, और वही हमको द्वैत में ले जाता है क्योंकि वो सीमाएं बनाता है। दूसरा माया का हम जो अर्थ करते हैं वो ये करते हैं कि जो है वो न दिखाई देकर हम वो देखते हैं जो हमारी कल्पना है, जो हमारी व्याख्या है, जो हमारा इंटरप्रिटेशन है, यानी कि वो वास्तविक नहीं है, वो हमारा ही निर्माण है। इसीलिए जब भारत में प्रसिद्ध वाक्य चलता है कि ये जो संसार है ये माया है और ब्रह्म ही सत्य है, तो कई लोगों को बड़ी अड़चन होती है। वो माया का अर्थ लेते हैं झूठ से, तो संसार झूठ है, ऐसे कैसे झूठ हो गया, ये हमारा होना, खाना पीना, सुख दुख सब झूठ हो गया क्या? नहीं, उसका अर्थ झूठ है ही नहीं, उसका अर्थ है जो कुछ है सब बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन उसको जो हमने समझा है, जो हमने देखा है, जो हमारी पांचों इंद्रियों से मिलकर हमने एक डिसेप्टिविटी दे दी, एक छलावा दे दिया है, वो माया है। तो प्रश्न खड़ा होता है कि जो है सचमुच में क्या हम उसको वैसा ही देखते हैं? कितनी मुश्किल बात है, जबकि होनी बहुत सरल चाहिए। हम एक फूल भी देखते हैं, क्या हम उसको सचमुच में देखते हैं? हम उसमें अपना ज्ञान बीच में ले आते हैं, उसका हमने एक नाम दिया होता है वो बीच में ले आते हैं, उसकी जो वास्तविक सत्ता है, उसकी जो प्रेजेंस है, वो हम तक पहुंचती है क्या? इसी तरह से किसी व्यक्ति को, किसी के विचार को
हम हमेशा अनुवादित करके, ट्रांसलेट करके, इंटरप्रेट करके, उसकी नई व्याख्या करके अपने अंदर लेते हैं। तो ये हमारा अपना ढंग हो गया जो कि भ्रांत है। तो माया हम जब कहते हैं भारत में, तो माया हम उसको कहते हैं कि जो हमारी ही अपनी दुनिया बन गई है। वास्तविक दुनिया तो अपनी जगह जैसी है वैसी है, लेकिन उसको देखकर हमने अपनी एक दुनिया अपने अंदर बना ली है, अपनी मान्यताओं, संस्कारबद्धताओं, कल्पनाओं, धारणाओं, विश्वासों, अनुभवों, स्मृतियों के आधार पर। अब गुरु गीता का सूत्र कहता है कि ये गु शब्द उसी माया को बता रहा है, रू शब्द उसको बता रहा है जो इस माया को पार करेगा, वो जो है जैसा है उसको वैसा ही देखेगा, अपने भीतर एक गहरी सचेतनता पैदा करेगा, एक डीप अटेंटिवनेस अपने अंदर लाएगा, एक टोटलिटी लाएगा, और पूरी सचेतनता से अपने मान्यताओं, विश्वासों, संस्कारबद्धताओं, धारणाओं, स्मृतियों के पर्दे को हटाएगा। तब रूप प्रकट होगा, अर्थात माया से पार का जगत। गुरु शब्द में यही एक विराट प्रतिध्वनि है कि जब ये भासता हुआ जगत, ये हमारे द्वारा देखा गया, हमारे द्वारा निर्मित किया गया जगत जब हटता है और वास्तविक प्रकट होता है, तो गुरु शब्द अपनी पूरी गरिमा में आता है। शरीर मन में जो सत्ता है, जिसको हम कई बार गुरु की तरह देखते हैं, वो सत्ता भी यही करती है। वो हमको कोई नया मान्यताओं का जगत नहीं देती। इसीलिए कोई कल्ट, कोई आइडियोलॉजी कभी सत्य नहीं दे पाती, क्योंकि वो सत्य नहीं देते, वो एक नई धारणा दे देते हैं। एक स्ट्रक्चर हटाया, दूसरा स्ट्रक्चर दे दिया, एक बैसाखी हटाई तो दूसरी बैसाखी दे दी। गुरु तो सारी बैसाखियों को हटा देने की प्रक्रिया है। अब कोई ढांचा हमको नहीं पकड़ाना है। एक रेत का घर मिटाया तो दूसरा रेत का घर हमको बनाकर दे दिया, ऐसा नहीं करना है। हमने रेत की वास्तविकता, समंदर की वास्तविकता, रेत के घरों के बनने मिटने की वास्तविकता, इस सब को देख लिया, इस खेल को जान लिया, ये अनिवार्य है। तो गुरु के माध्यम से यही घटता है कि हमको कोई बैसाखी नहीं पकड़ाई जाती, हम अपने पैरों पर चलना सीख लेते हैं, हम अपना प्रकाश स्वयं बन जाते हैं, और माया के जगत से हम ब्रह्म के जगत में प्रवेश करते हैं। गु से रू की तरफ हम आ जाते हैं, अर्थात अब हम द्वैत के सीमाओं के सारे धरातल को पहचानते हैं, उससे उलझते नहीं, लड़ते नहीं, और उसके पार जो वास्तविक है उसको हम पहचानने लगते हैं, उसके साथ चलने लगते हैं।